अपने प्रेमी के कहने पर मैंने ही पति को जहर देकर मारा था। प्रेमी मुरैना बैरियर चौराहे पर उसे सल्फास की पुड़िया देकर गया था। सोते समय उसने उसे पानी में घोलकर पति को भी पिला दिया था। मृतक के पिता का कहना है कि यह बात मृतक की पत्नी ने पंचों के सामने लिखित में स्वीकारा है। पंचनामे पर महिला के पिता ने भी हस्ताक्षर किए हैं। यह हैरान करने वाला खुलासा मुरैना जिले में हुआ, जहां तीन बच्चों की मां ने ऐसा कदम उठाया है। घटना के एक महीने बाद भी महिला की गिरफ्तारी नहीं होने पर मृतक के पिता और भाई मंगलवार को एसपी से मिले और शिकायत की। वहीं पुलिस का कहना है कि जब तक बिसरा रिपोर्ट सागर स्थित लैब से नहीं आ जाती, वह महिला को हत्या का दोषी नहीं मान सकते हैं। घटना मुरैना के गोटे नगर की है, जहां 21 जुलाई 2022 को नारायण सिंह जाटव निवासी गोटे नगर मुरैना ने स्टेशन रोड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहू सीमा ने उसके बेटे राजेश की जहर देकर हत्या कर दी है। इस बात को उसने पंचों के सामने स्वीकार किया है। पंचनामे पर उसके पिता मुन्नालाल सोलंकी निवासी ग्वालियर के भी हस्ताक्षर हैं। पंचों के सामने महिला की हत्या करने की बात का वीडियो भी उन्होंने पुलिस को दिखाया है। उन्होंने पुलिस को बताया, जब उसने हत्या की बात स्वीकारी तब बहू के पिता मुन्नालाल सोलंकी, भाई कमल किशोर और राजेश भी मौजूद था। नारायण सिंह जाटव ने बताया कि पंचों के सामने उनकी बहू सीमा ने स्वीकार किया है कि वह नागपुर निवासी दिशांत पाटिल से उसका अफेयर है। दोनों के बीच फोन पर बातें होती रहती हैं। उसी ने उसे 18 जुलाई 2022 को मुरैना बैरियर चौराहे पर जहर की पुड़िया दी थी। नारायण सिंह जाटव ने बताया कि पंचों के सामने उनकी बहू ने स्वीकार किया है कि बात करने के लिए दिशांत पाटिल ने ही उसे नया मोबाइल दिलाया है। नारायण सिंह जाटव ने बताया कि उसके बेटे राजेश और सीमा के तीन बच्चे हैं, जिनमें दो लड़कियां और एक लड़का है। तीन बच्चों की मां होने के बावजूद उसने इस तरह का कदम उठाया। बहू ने पंचों को बताया कि घटना 20 जुलाई 2022 की है। रात 12 बजे सल्फास की पुड़िया को उसने पति राजेश को ग्लास में पानी में घोल कर पिला दी। रात करीब 1 बजे राजेश बेहोश हो गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। इस पर उसने सास को बताया कि उसके बेटे के मुंह से झाग निकल रहा है। बेटे की हालत खराब देखकर उसके पिता और भाई उसे जिला अस्पताल मुरैना लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पंचनामे पर आरोपी सीमा पत्नी राजेश, सीमा के पिता मुन्नालाल पुत्र भौरूलाल निवासी तिकोनिया पार्क मुरार ग्वालियर, सीमा के भाई कमल किशोर पुत्र मुन्नालाल व राजेश पुत्र मुन्नालाल, मृतक के पिता नारायण सिंह जाटव पुत्र पन्नालाल जाटव के अलावा गोटे नगर मुरैना के 34 निवासियों के हस्ताक्षर हैं। स्टेशन रोड थाना प्रभारी आशीष राजपूत का कहना है कि जब तक मृतक की विसरा रिपोर्ट सागर स्थित लैब से नहीं आ जाती तथा उसमें यह बात साबित नहीं होती कि जहर से ही मृतक की हत्या हुई है, तब तक मृतक की पत्नी सीमा को हत्या का आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। गिलास मेरे द्वारा एक गिलास में 12 बजे उक्त पुड़िया घोल कर अपने पति राजेश को जहर दिया गया। मेरा लड़का खत्म हो गया 21 तारीख को, उसको जहर खिलाया गया। अच्छा, किसने दिया जहर? जहर दिया है उसकी पत्नी ने, बहू ने। क्या नाम है? सीमा। अच्छा, हाँ, ये बात कैसे पता पड़ी? हमें मालूम जी पड़ी, उसकी कन्या बीती भाई मैंने पंचायत जोरी पंचायत में उसका पिताजी था, उसके दोनों भाई थे और भाभी थी, उनके सामने और पंचन के सामने उसने कबूल किया है जो।